टाई बन गई होगी। अरे हमारा चार रखी तो बन गई होगी। गुड मॉर्निंग, जय भोले शंकर की, जय बाबा रुद्रनाथ की। सुबह सुबह का ये उगते सूरज का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रनाथ से, नंदा देवी पर्वत लाइव लाइव रुद्रनाथ और हिमालय पर्वत के बीच से सूरज की किरणें निकलती हुई, ये शानदार दृश्य। और सुबह सुबह यहाँ मामू ने हमें सब लोगों को उठा दिया था, पूरी रात लगता है कि सोए नहीं। और चाय बना रहे हमारे गौरव दादी, देखते हैं। और इस पूरा दिशा से जो है सूर्य निकलता हुआ या और अपनी लालिमा बिखेरता हुआ धीरे धीरे, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ रहा है आप देख सकते हैं, वैसे वैसे थोड़ा मुश्किल होता जाएगा इन चोटियों को देखना। और नंदा देवी आप देख रहे हैं अलग ही चमक रही है इस टाइम, उसके ऊपर कुछ बादलों का बादल कह सकते हैं, बर्फ का कुछ गुबार सा दिख रहा है आप। और सूरज देखिए कैसे किरणें बिखेरता हुआ अपनी नीचे घाटी में है जी, और नीचे घाटी में जो है फैला हुआ बादल, कोहरा कुएड़ी कुछ भी कहिए आप उसको, अगर हम इसको भावर से देखें तो बादल है और यहाँ से देखा तो कोहरा है। और काफ़ी सुंदर भूख गया नीचे, एक हल्का सा कुंड टाइप कुंड जैसा भी है यहाँ पर एक। और हमारे जो है अगर ये पूरब हो गया, ये पूरब है तो उत्तर दिशा में देखेंगे हम तो वहाँ पे मंदिर है, उत्तर दिशा में मंदिर है रुद्रनाथ का, आपको यहाँ सिर्फ झंडे देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट जूम करना उस पर। जी जय हो बाबा रुद्रनाथ की। ये जो है यहाँ पर रुद्रनाथ जी का मंदिर जिसमें आपको झंडे दिख रहे हैं, थोड़ा नीचे 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 रुद्रनाथ जी का मंदिर सिंध दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, अरे आप बड़े समझदार और हमारे प्रोफेशनल कैमरा फोटोग्राफर हैं। और साथ में रुद्रनाथ जी के साथ में है वन देवता का मंदिर जो आपको वहीं जाके दिखेगा। और ऊपर जो है काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं टिकी हुई और सुंदर बुग्याल कहा जाता है, जब यहाँ फूलों के पौधे हुआ करते थे, जंगली फूल कह सकते हैं। पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, शायद ठंड से जल गए। हाँ, ये वो कमरा है जहाँ हमने इस रात रुके थे और चाय हमारी तैयार हो चुकी है, गौरव दादी ने हमारे लिए गरम गरम चाय बना रखी है, कड़क चाय। सुवन कुछ चटकी दिखाएंगे हमारे सुवन दादी, बाल इनके नाराज जैसे हो रहे हैं इस वक्त, ये देखिए बालों का बहुत ख्याल रखते हैं ये अपने। अब आपको सुंदर व्यू दिखाते हैं रुद्रनाथ बाबा का, ये देखिए पहले ये मकान देखिए किस तरह इन्होंने मकान बनाया, बिना सीमेंट बिना किसी चीज के, कैसे पत्थरों पर सिपटा हुआ, कितनी जो है कुशल कारीगरी है ये। आपको इस कारीगरी का बारीकी से निरीक्षण करवाते हैं। निरीक्षण बिल्कुल डीआईजी साहब आ रखे हैं। चटकी दिखा लो तुम पूरी, गली भी दिखा लो, कहीं छेद में घुसी होगी, देख लो देख लो, है तो नहीं कहीं छिप गली। जी कितनी शानदार लोकेशन में है, मनमोहक दृश्य, मनोरम दृश्य। ये बहुत बाबा रुद्रनाथ का सामने से बहुत चिढ़ने वाले चिड़कू गुफाओं में यहाँ पे बाबा रुद्रनाथ विराजमान। रुद्रनाथ जी के बारे में बताना चाहेंगे आपको, रुद्रनाथ जी जो है पांच केदारों में से एक है, पांच केदार आपका जो है श्री केदारनाथ जहाँ की अभी भारी तबाही हुई है 14 जून का मेरे ख्याल से, उसके अलावा आपका तुंगनाथ जो कि चोपड़ा के पास है, उसके अलावा आपका कल्पेश्वर मध्यमेश्वर और ये रुद्रनाथ, पांच केदारनाथ है हमारे। भगवान शिव का पश्च भाग की पूजा की जाती है यहाँ पर या नहीं? रुद्रनाथ में भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है, केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूप के पश्च